हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर हलवा की रेसिपी, जो कि बेहद ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। और बिना गाजर घी से, बिना मावा के हम ये हलवा बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो को देखने में आपको आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो गाजर और 1 लीटर ही दूध लिया है। जितने गाजर हैं उतना ही मैंने दूध लिया है। अब गाजर को हमने बिना घी से ही गाजर का हलवा बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमने गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इस तरह से गाजर को मैंने पहले ही छील लिया था और बढ़िया से इनको वॉश कर लिया था। अब हमने बस इनको काटना है, तो बहुत मोटे टुकड़े नहीं काटने हैं, छोटे छोटे पीसेस में हम इनको कट करेंगे। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी। एक बार जरूर बनाइएगा। अगर एक बार आपने इस तरह से गाजर हलवा बना लिया ना, तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए गाजर मैंने कट कर ली है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये गाजर हलवा प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी को गर्म हो जाने देते हैं। घी गरम हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। अब इनको हम डालकर सिर्फ 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम इस स्टेज में कर लेना है बिल्कुल लो। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए जो किशमिश है वो बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब डालेंगे गाजर। अब 1 मिनट तक गाजर को इसी तरह से चलाते हुए हमने रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने इस स्टेज में मीडियम किया हुआ है। देखिए 1 मिनट तक गाजर को मैंने भून लिया है। अब जो हमने दूध लिया था उसी में से 1 कप इसमें दूध भी ऐड कर देंगे। मैंने ये उबला हुआ दूध लिया है, लेकिन फुल क्रीम दूध है, मलाई निकला हुआ दूध नहीं है। डालकर एक बार अच्छे से इनको मिला देंगे। अब हमने ढक्कन लगाकर पूरी 3 सीटी इसमें लगवानी है। आपको कम या ज़्यादा भी लगवानी पड़ सकती हैं, क्योंकि कितनी सीटियाँ लगेंगी वो आपकी गाजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाजर ज़्यादा हार्ड हैं तो सीटियाँ ज़्यादा लगवानी पड़ेंगी। अगर गाजर सॉफ्ट हैं तो 2 से 3 सीटी में ही आराम से ये गल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। जब तक गाजर में सीटी लगती हैं तब तक हम ये दूध भी बॉयल कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को हमने उबाल कर गाढ़ा कर लेना है, ताकि हमें हलवा बनाने में कम टाइम लगे, क्योंकि हमने दूध का यूज़ हलवा बनाने में करना है। सीटियाँ लग चुकी हैं, कुकर का प्रेशर मैंने रिलीज कर लिया है। अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि गाजर हमारी पकी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गाजर बढ़िया तरीके से गल चुकी है। अब जो इसमें ये काफी सारा पानी रह गया है, इसको हम पहले ही ड्राई कर लेते हैं। साथ के साथ हमारा दूध भी उबल रहा है। दूध को हमने उबालते रहना है, अभी बंद नहीं करना है। काफी गाढ़ा हो गया है पहले से दूध, अब थोड़ा सा गाढ़ा हमने इसको और कर लेना है, जब तक गाजर से पानी ड्राई होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर से काफी सारा पानी ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा ही पानी रहता है। अब गैस का फ्लेम हमने लो कर लेना है और लेना है एक मैशर। अब मैशर की हेल्प से हम गाजर को मैश कर लेंगे। वैसे तो गाजर सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है, लेकिन जो इसके टुकड़े हैं ना, उनको हमने इस तरह से मैश करते हुए तोड़ लेना है। गाजर को मैश कर लिया है मैंने। दूध को उबलते हुए भी पूरा 15 से 16 मिनट हो चुका है और दूध काफी गाढ़ा हो गया है, मलाईदार हो गया है। तो गाजर से सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और लगातार चलाने की भी इसको जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट में हम इसको चलाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर हमारे हलवे का है। अब हलवे को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और काफी गाढ़ा भी हो गया है पहले से। इसी स्टेज में चीनी भी डाल लेते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी कम या ज्यादा रख सकते हैं। जैसे ही हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे तो काफी सारा मॉइस्चर रिलीज करेगी चीनी, हलवा फिर से पतला हो जाएगा।
हलवा बनाने में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसके छींटे बहुत लगते हैं पकने के दौरान। उससे बचने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है देसी घी। मैंने 1 चम्मच देसी घी इसमें पहले डाला था और 2 चम्मच भरकर देसी घी हम इसमें अब डाल देंगे। इस स्टेज में घी डालने से हलवे में जो ये छींटे लगते हैं ना, वो नहीं लगते। ये देखिए काफी फर्क पड़ गया है पहले से, पहले काफी छींटे पड़ रहे थे। हलवा ड्राई हो चुका है, काफी थिकनेस इसमें आ चुकी है, बस ऐसी कंसिस्टेंसी ही हमें हलवे की चाहिए थी। अब इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमें रोस्ट किए हुए थे। तो कुछ तो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं और जो बचे हुए हैं वो सारे हमने इसमें डाल देने हैं। फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्किप कर दें। सभी चीजों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हलवे को और पका लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हलवा बनकर तैयार है। बेहद ही टेस्टी डिलीशियस ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। बिना मावा के, बिना गाजर घिसे हमने हलवा बनाकर तैयार किया है। आप भी एक बार मेरे तरीके से ये हलवा जरूर बनाइएगा, आपको बेहद ही पसंद आएगा। 20 से 25 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप भी मेरे तरीके से ये हलवा बनाना, खाना, और कैसी आपको मेरी आज की रेसिपी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।